नमस्कार दोस्तों, मैं बंगोली सिन्हा आज 20 जून को एक कविता अहिल्या मिश्र जी की, डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी की आपको सुना रही हूँ। कविता का शीर्षक है सांप और शहर। सांप और शहर। और इससे पहले कि मैं इसका पाठ करूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि सांप पर अज्ञेय की कविता भी मुझे अचानक याद आ गई है। सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, फिर कैसे तुमने पाया नगर में, कैसे तुमने सीखा नगर में बसना और कैसे सीखा डसना वगैरह वगैरह, तुमने विष कहाँ से पाया सांप, है ना, ऐसा कुछ है अज्ञेय का। बहुत बहुत खूबसूरत वर्णन है वह। सुना है आजकल शहर में सांप ही सांप बसने लगे हैं। सुना है आजकल शहर में सांप ही सांप बसने लगे हैं। आओ चलो चलें गांव के बीच से होते हुए, अंतिम छोर से गुजरते हुए जंगल की ओर, जहाँ एक सदन, एक कुटिया, एक मचान बने। वन काट कर एक खेत रोपे, नए सिरे से एक बरगद उगाए, जिसकी छाया में अपने चेहरे से फूटते पसीने को सुखाने बैठ जाए। एक पीपल, एक अशोक और एक आम भी अंकुरित करे गहरी नींद सोने को। किंतु वहाँ बसने वाले केवल हम हों, और आकर घर बसाएं अपनी बहन शांति तथा भाई बंधुत्व, बीच में एक पुतला लगाए जिस पर लिख दें न्याय, जिस पर लिख दें न्याय। बहुत खूबसूरत कविता दोस्तों, आशा है कि आपको पसंद आएंगी। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।